साले सड़ा हुआ पैर हटाना पड़ा साले सड़ा हुआ पैर साले साइड हटा लिया करना। साले अपने सॉक्स तो चेंज कर लिया कर, इतनी सड़ान मारते हैं। खराब करके बैठा है साले। डेली बदलता हूँ मैं, तेरे को क्या पता। साले हफ्ते हफ्ते बढ़ते, तू नहाता नहीं है। आया है बेटा डेली बदलने वाला। और साले दो हफ्ते से यही जैकेट देख रहा हूँ, नहाया है तू एक बार भी? अरे एक साला ये नेस्ती की दुकान है, पूरे दिन साला सोता रहता इसकी। अरे इसके लिए मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, मैं बताता हूँ। साले से भी उठाए तो साले जल्दी उठे ना, ऐसे सो रहा है जैसे उठ तो ऐसे जैसे पेंट में हाथ दिया हो। क्या हुआ साले, सुबह सुबह लगा दिया। साले आराम तो ऐसे फरमा रहा जैसे तेरे बाप का फ्लैट हो। मकान मालिक आ जाए, किराया कहाँ से देंगे? खाना दे देंगे उसको भी। अबे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ऐसा क्या बोल दे, मैंने मकान मालिक आएगा हर बजे यही तो बोलता है, कुछ दे दो खाना दे देंगे उसे। वैसे भी उसकी बीवी खाना वाना नहीं देती यार। अबे चूतिए, खाना तो खा के जाएगा ही, ऊपर से किराया भी लेगा वो। भाई इस बार किराया नहीं दिया ना तो ला तुम्हारे घर से बाहर निकाल लेगा सबको, समझ रहे? किराया लेगा और क्या, मेरे पास एक मस्त प्लान है। क्या प्लान है भाई, बता बता जल्दी बता। प्लान प्लान तो तुमने रिया को पटवाने का दिया था, पटी आज तक? आज तक याद है भाई, कुत्ता और कमीना भी बोली गई थी। हाँ तो बोलेगी ना, मैंने तुझे उसको जाके प्रपोज करने के लिए बोला था। मार्केट में कुत्ते की तरह आगे पीछे अलग ही बोलने के लिए नहीं बोला था। अबे इमोशन में होता है, आंखों में आके डाल के प्रपोज किया जाता है। जा गेट पे आ गया मकान मालिक, जा गेट पे आ गया। माचू मैं क्यों बोलूंगा, ये बोलेगा मैं, तू जाएगा चल साले चल, मैं नहीं जा रहा। अबे यार गेट पे आ गया यार। मालिक अभी हमारे पास आना नहीं है, अभी हमें घर से मत निकालो, एक दो दिन में हम कहीं ना कहीं से करके दे देंगे। लगता है मकान मालिक ने मालकिन को भेजा किराया लेने के लिए। मालकिन हम एक दो दिन में आपको किराया दे देंगे, अभी हमारे पास किराया नहीं है, प्लीज हमें घर से मत निकालो। हेलो, अपनी दोस्त आके बंद कर लो ना। वैसे आपका नाम क्या है? मिताली। कुछ नहीं कुछ नहीं, वो ना रात भर सोया नहीं ना इसलिए बड़बड़ा है, इसकी नींद पूरी नहीं हुई। जा बेटा तू जाके अंदर सो जा। जा घर चाहिए था तो मेरे को ये घर दिखा था, मैंने सोचा यहाँ पे मालिक तो वो क्या था? मालिक अभी हमारे पास किराया नहीं है, अभी हमें घर से मत निकालो, एक दो दिन में हम कहीं ना कहीं से करके दे देंगे। लगता है मकान मालिक ने मालकिन को भेजा किराया लेने के लिए। मालकिन हम एक दो दिन में आपको किराया दे देंगे, अभी हमारे पास किराया नहीं है, प्लीज हमें घर से मत निकालो। वो अरे वो तो मैं बता रहा था कि किराया देने के टाइम पे ना किरायादार ऐसे करते हैं, इसलिए हमें अपने को वो लोचा नहीं चाहिए। ओ तो मतलब मैं रह सकती हूँ ना? क्यों नहीं, आप बिल्कुल रह सकते हो। इम्पोर्टेंट बात है सुनो, एक मिनट हम आते हैं। ओके।
क्या है भाई, बाहर लड़की परेशान हो गई यार। अबे लड़की देख के तेरे दादी हॉर्मोन से बाल मार रहे हैं, उसकी परेशानी चक्कर में हम परेशान में हो जाएंगे। क्या पकड़ा यार, पापा मैं समझाता कि नहीं उसको भाई, वो हम कैसे परेशानी में जाएंगे। ये बात बता, हम किराएदार भाई, अगर मालिक को पता चला हम किराएदार और हमने उसी घर में किराएदारी रख लिया तो भाई उसके तो छोड़ा हमारा ही बूढ़ा बिस्तर बाहर फेंक देगा वो। क्या बता रहा है, वो तो भाई तब भी फेंकेगा, तेरे पास किराया है देने के लिए है, तब के तेरी मम्मी बचाने आएगी। सही बात है। क्या सही बात है, पागल हो गया क्या तू? जब मकान मालिक हमारा सामान फेंकने गया तेरी मम्मी आएगी जाने में। भाई यार रुको रुको रुको, लड़ो मत यार, रुको ना, अबे रुको ना यार, पहले लड़ लो तुम यार। मेरे पास एक प्लान है, सुन तो लो पहले। क्या प्लान है? हमारे पास वैसे भी किराया नहीं, पैसे ज्यादा पैसे लेके मकान मालिक को किराया दे देंगे और भाई साहब खुद अपना खर्चा भी चला लेंगे। क्या बोलते हो? वो सब तो ठीक है, लेकिन मकान मालिक को पता चल गया तो अब उसे बताएगा कौन? तू बताएगा नहीं, ये बताएगा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, वो जानती नहीं। सही बोल रहा है भाई, बोलो अब। चल ठीक है, चल ओके ओके, आप यहाँ पे रह सकते हो ठीक है। गुलाब जामुन खाए भी बड़ा टाइम हो गया। बातों में लड़ने लग जाते हो, 15,000 मांगते हो ठीक है, 5,000 अपने तब खर्चा होगा। हाँ ये भी ठीक है, ठीक है चल चलो बात करते हैं। 15,000 लगेंगे। ओके जब आपका मन करे ना तब आप रेंट दे देना ठीक है। कौन रखता है? हम रखते हैं, बैटल्स करूं में ऐसी होता है। वो एक्चुअली ना ऊपर की रस्सी टूट गई थी तो इसलिए ना हमें अंदर कपड़े सुखाने पड़े। ओ मुझे लगा आप अपना घर गंदा ही रखते हो, क्योंकि मुझे गंदा घर पसंद नहीं है। ओके आप इतने चेंज कर गया ना, आपको घर साफ मिलेगा। ओके सारा सफाई कौन करेगा? हम करेंगे भाई, हम तीनों ही तो रहते हैं, हमें ही करनी पड़ेगी। तो हमें का नौकर समझ रखा तूने? जल्दी जल्दी कपड़ा बदलो। अबे यार मेरा अंडरवेयर आगे, मैंने यही सुखाने के लिए करा था। तेरा पता होगा, हमें क्या पता। अबे तो मैं अपना अंडरवेयर ही मांग रहा हूँ, तेरा थोड़ी ना मांग रहा हूँ। भाई दोनों को खाओ जल्दी, मेरा किसने अच्छा पहन लिया। ले भाई देख ले। देखा भाई देखा, तुझे शर्म नहीं आती? तू ऐसी चीजें मिताली जी के ऊपर फेंकता है तू? अरे यार मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। जाओ आप जाके नहा लो, कुछ चीज की जरूरत पड़े तो इस बंदे को याद करना। गुलाम तो है साला, इसलिए तो गया है। ये चूतिया बाथरूम की साइड कहाँ जा रहा है? अंदर क्या देख रहा है तू? तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे लगा तू अंदर है। मुझे अंदर देख रहा है तू? कोई बाथरूम में? हाँ। अरे साले तू तो पीछे पीछे गया था भी। मैं पीछे गया तो मेरे को बाथरूम में देखेगा? क्या होगा भाई, क्या होगा, लड़की हो रही हो? अबे भाई ना तो मिताली को देखा था बाथरूम में यार। ओए भाभी है तेरी? ओए साले तेरी भाभी है, तेरी भाभी है, तेरी तेरी है, तेरी है। क्या ना मैं क्या भंडारे की लाइन में खड़ा हूँ क्या? एक सोल्यूशन है। क्या क्या ये बता, गेट किसने खोला? लड़की को पहले किसने देखा? तूने। और फिर उसको रहने का आइडिया किसके पास आया? ये भी तेरा। तो तुम दोनों की भाभी हुई ना सालो? मैं तेरी। इतने बदतमीज लोग हैं यार, लड़की को ऐसे कौन बोतल मारता है? कैसे लोगों के साथ है? मैं बाम लगा देता हूँ। कैसे लोगों के साथ है? ज्यादा दर्द हो रहा है। तेरे समझ में नहीं आ रही बात? एक तो बोतल मार दी, ऊपर से हाथ लगा के ऑर्डर दे रहा है। भैया से तू चुप कर ठीक है।
मिताली जी, जो हुआ है ना मुझे नहीं पता था, ये गलती से हुआ, मुझे नहीं पता था पीछे आपको। तो सारे बोतल कौन मारता है, पागल हो गया तू? अभी जा यहाँ से, खाली बोतल दी, इतनी कहीं ना लगती, ठीक है? तो मैं यहाँ बुलाया किसने, चले जाओ ऐसे, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अरे आप बैठो ना, अरे आपकी दर्द तो नहीं हो रहा? और काम लगा दूंगा। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कोई बात नहीं, होता है, आगे बिना भी क्या? कुछ मत ऐसे बोल। तेरे बैग को लगी तो नहीं? तेरे को साले बैग इंपॉर्टेंट दिखा, मिताली जी को लग जाती तो चल यहाँ से, निकल भाग यहाँ से, निकल साले, निकल। कैसे ठीक हो? अगर तुम्हें लग जाती तो वो तो मैं आ गया। अरे नहीं लगी ना, ठीक हो। तुम ठीक हो ना? हाँ। मुझे नहीं लगा तो तुम ठीक हो। ये सब बाहर चलो, चलते चलते थोड़ी थोड़ी कॉफी पी लेंगे, ठीक है? आप जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? फोन हो भाई तुम? तो चल रहा है, कब से फोन कर रहा हूँ। बाय। कैसी है? बढ़िया। प्लीज माय बॉयफ्रेंड बी मानसू। थैंक यू सो मच यार, मेरी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखने के लिए। बाय। बाय। हाँ भाई, कैसी रही? कौन ले गया? भाई ले जाने वाला ले गया। आ गया सो मच। चल सारे काम कर। काम कर। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बढ़िया हो। और वीडियो तो देख लिए तो बताओ वीडियो कैसी है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए आए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई मैंने क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान दिया है, थोड़ा सा आगे इम्प्रूव करने की कोशिश की है, आगे से और भी करूँगा। अभी तुम्हारा भाई इस फील्ड में घुसा है तो आगे भी और ज़्यादा करेंगे, तो बस सपोर्ट करो अपने छोटे भाई को। और यार जितनी हो सके शेयर करना इस वीडियो को, फैमिली वीडियोस कंटेंट है यार। और ऐसे ही कंटेंट थोड़ा सा अब अलग कंटेंट लेके आऊँगा अब, जो बहुत ही अच्छा होगा, यूनिक होगा, क्योंकि आजकल मैंने ये देखा है कि बहुत यही सब मिलता है, तो कुछ अलग डिफरेंट लेके आऊँगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जो मैं छोटे से छोटे अपडेट्स देता रहता हूँ वहाँ पे, वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ, तो जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाओ फॉलो करो यार। बस यार लाइक करो, अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा मिल गया दिल खुश हो जाएगा भाई, काम करने तो मज़ा आता है, जब नहीं तो मज़ा नहीं आता। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।